हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जी के स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय जीवन बीमा यानी LIC दिवस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 सितंबर को। देखिए, भारतीय जीवन बीमा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा LIC का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 सितंबर 1956 को। देखिए, भारतीय जीवन बीमा LIC का राष्ट्रीयकरण भारतीय संसद ने 19 जून 1956 को भारतीय जीवन बीमा विधेयक पारित किया, जिसके तहत 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया और भारतीय जीवन बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में LIC किसके द्वारा लाई गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपियन लोगों द्वारा। देखिए, भारत में LIC लाई गई थी यूरोपियन लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यह भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस सुविधा किस देश से अपनाई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। देखिए, इंश्योरेंस की सुविधा इंग्लैंड देश से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी किस शहर में खोली गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। देखिए, भारत की सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी खोली गई थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय जीवन बीमा LIC की सहायक कंपनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, IDBI बैंक। देखिए, IDBI बैंक यह भारतीय जीवन बीमा की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDA अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1999 में। देखिए, IRDA इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। यह एक सर्वोच्च संस्था है जो भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख करता है और इसका मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है और बीमा उद्योग को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण यानी IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नारा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, योग क्षेमम वहम्यहम्। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम
एलआईसी का नारा है, योग क्षेमम वह मेहम, यानी इसका अर्थ है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी भारत में कब आई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1818 में। देखिए एलआईसी भारत में 1818 में इंग्लैंड द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी कंपनी की भविष्य निधि अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1912 में। देखिए एलआईसी कंपनी की भविष्य निधि अधिनियम यह 1912 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने एलआईसी अधिनियम कब पारित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1956 में। देखिए भारत सरकार ने एलआईसी अधिनियम पारित किया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा एलआईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। देखिए भारतीय जीवन बीमा एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी की टैगलाइन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, के मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर एलआईसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी किसके अंतर्गत आती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के अंतर्गत। देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में एलआईसी के जन्मदाता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एलआईसी के जन्मदाता माने जाते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एलआईसी के अंतर्गत नहीं आती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्विस ऑफ हॉस्पिटल। देखिए एलआईसी के अंतर्गत सर्विस ऑफ हॉस्पिटल नहीं आती है, और एलआईसी के अंतर्गत आता है हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, और एलआईसी के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस और बैंकिंग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एलआईसी की अधिकृत यानी सब्सिडरीज कंपनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलआईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए एलआईसी की अधिकृत कंपनी यानी सब्सिडरीज कंपनी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी इंटरनेशनल लिमिटेड और एलआईसी कार्ड सर्विस लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड्स लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड्स लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक, ये एलआईसी की अधिकृत सब्सिडरीज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के सैटेलाइट कार्यालयों का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संपर्क। देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के सैटेलाइट कार्यालयों का नाम है संपर्क। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।